खरगोन जिले के सेगांव के किसान हरीश पाठक ने बताया कि नर्मदा मालवा बैंक शाखा सेगांव प्रबंधक योगेश गांधी के द्वारा मुझे किसान अल्पावधि ऋण खाते का पलटा करने को लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार परेशान किया जा रहा है। मेरे द्वारा बैंक के प्रबंधक महोदय को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं 28/6 को बैंक आकर पलटा कर दूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे निवास पर पिछले 10 दिनों से दिन में 3-3 बार भेजकर मुझे टारगेट किया गया और धमकी तक दे दी गई कि सरकार के कारण हमको सोचना पड़ता है, नहीं तो तुम जैसे किसानों को तो सीधे कोर्ट ही ले जाता। एक और जहां मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार हम किसानों को परेशान न करने का आश्वासन दे रही है, वहीं बैंक के कर्मचारियों द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब मेरा कर्ज 31/3/18 की स्थिति में सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है, तो मुझसे 21/6/19 की स्थिति में किस बात का ब्याज लिया जा रहा है और न भरने पर और ब्याज जोड़ने की बात प्रबंधक द्वारा कही जा रही है। अब आप ही बताइए कि जब मेरा कर्ज 31 मार्च 2018 तक का माफ कर दिया गया, तो अब किस रकम पर ब्याज लगाने की बात हो रही है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। समस्या है आपके साथ? नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक में मेरा अल्पावधि ऋण खाता है, जो 2015 में मैंने ऋण लिया था। मैनेजर का कहना है कि वो 1 लाख रुपए का आपने कर्ज लिया है, जबकि मेरा 89 हज़ार का कर्ज था। अब उस पर ब्याज लग करके वो कुछ करीबन 97 हज़ार हो गया है, और मैंने 2 बार उसका पलटा 2017 तक उसको कराया भी था, लेकिन मैनेजर द्वारा मेरे घर 10 दिनों से लगातार दिन में 3-3 बार भेज करके कर्मचारियों को मेरे को परेशान किया जा रहा है। डेली कर्मचारी आते हैं और मेरे को परेशान कर रहे हैं, और जब मैं बैंक उनसे मिलने पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप जैसे लोगों को सरकार ने निकम्मा और मक्कार बना दिया है, और मेरे पे अभी फ़िलहाल 31/3/18 की स्थिति में 91,644 रुपये का कर्ज था, जो ऋण माफ़ी योजना में शामिल है। हमारे उच्च अधिकारी द्वारा वसूली के प्रवास के दौरान हमको उनके साथ जाना पड़ता है, हम उनके पास वसूली के लिए जाते हैं। सर, किसान का कहना है कि आप उन्हें व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत टारगेट नहीं है, बहुत सारे किसान डिफॉल्टर हैं, सबको व्यक्तिगत टारगेट तो कर ही नहीं सकते। उनका कहना है कि मेरे साथ अभद्रता कुछ नहीं, कोई अभद्रता नहीं, मेरे साथ दूसरे साथ दूसरे लोग भी थे साथ में, वो गवाह इस चीज़ के कि किसने अभद्रता को, मैं अकेला कहीं नहीं गया, जिसमें मेरे साथ 4 लोग साथ में गए। सर, एक किसान के घर में दिन में तीन बार नहीं गया थे हम, 2-3 दिन में 3 बार गए, क्योंकि हमें वसूली के लिए प्रेशर ऊपर हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा उच्च कार्य। तो सर, जैसे ये जय किसान ऋण माफी योजना जो शासन के चल रही है, जय किसान ऋण माफी योजना 21/3/18 की स्थिति में है। 21/3/18 की स्थिति में जो भी किसान जितनी भी राशि की पात्रता है, वो उनको ऋण माफी मिलेगी। आज की तारीख में खाता रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उनको पात्रता है तो वो मिलेगी जब भी राशि आएगी।